नमस्कार दोस्तों, एक बार नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं राजकोट एयरपोर्ट, जो कि भारत के राजकोट शहर में स्थित है, गुजरात में स्थित है राजकोट एयरपोर्ट। आज के इस वीडियोज में हम बताएंगे आपको एयरपोर्ट आप कैसे आएंगे, क्या क्या चीज़ें एयरपोर्ट के नज़दीक में, क्या चीज़ें कैसे बोर्डिंग पास लेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे फ्लाइट लेंगे, इन सभी चीज़ों पर आज के इस वीडियोज में हम आपको बताने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। राजकोट एयरपोर्ट, जिसका कोड है दोस्तों REAG, जब भी आप जहाँ भी सर्च करेंगे, जिस जगह से आप बुकिंग करेंगे REAG, तो राजकोट आ जाएगा। और ये राजकोट का हवाई अड्डा है, आप देख सकते हैं, ये आपका हवाई अड्डा है एयरपोर्ट का, जहाँ पे फ्लाइटें इस तरीके से आके यहाँ पे रुकती हैं, और फिर यहाँ से जो फ्लाइटें हैं वो लेते हैं लोग और यहाँ से ट्रैवल करते हैं। जब भी आप इन करेंगे, सबसे पहली बार आपका चेक इन होता है, जो कि आप बैगेज वगैरह लगेज वगैरह लाते हैं तो आपका चेक होता है, उसके बाद आपको अंदर जाने दिएगा और जिसके पास टिकट है उसी का एंट्री मिलेगा। बाहर से पूरी तरीके से जब आप देखेंगे तो अंदर जाने के लिए जिनके पास टिकट है उसी को भेजा जाता है, और उसके बाद आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो अंदर में आपको बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगे जहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं, और इस मशीन में आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं, यहाँ पे वेट कर सकते हैं। बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, रुक सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये है आपका जो है, आप पूरी तरीके से एयरपोर्ट देख सकते हैं, और इस तरीके से आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। अलग अलग जो है, अलग अलग फ्लाइट अलग अलग जो है रूट में आती है, और वो आपको बताया जाएगा कौन सा गेट से आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पे हेल्थ डेस्क भी है, जो कि आप हेल्थ चेक करवा सकते हैं अभी कोविड में। तो ऐसा है एयरपोर्ट, तो जो है पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया, बहुत ही सुंदर रखा गया। और एयरलाइंस की बात करें तो स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया, और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर गोवा वगैरह जाना हो तो यहाँ से आपको लगातार जो है वो मिल जाएगी। स्टेशन से बात करें एयरपोर्ट की दूरी, तो तकरीबन 2.5 किलोमीटर है, जो कि स्टेशन से आपको गाड़ियां हमेशा मिल जाएगी, और एयरपोर्ट से भी आपको गाड़ियां मिल जाएंगी अगर आप स्टेशन जाना चाहते हैं तो, या अगर आप बस स्टैंड जाना चाहते हैं तो बस स्टैंड की दूरी 3 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ बैठने की सुविधा पूरी तरीके से है, ये रनवे है जहाँ से फ्लाइटें जो है वो यहाँ से जाती हैं अलग जगह पे, तो ये रनवे है जहाँ से आपको बस से लाती है। अगर आपके पास जो है जो भी गेट में अगर बस मिलेगा और फिर आप यहां से आ सकते हैं। तो ये गुजरात अहमदाबाद का है, जो कि यहां से आप देख सकते हैं, यहां से अलग अलग फ्लाइटें ले सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं, और पूरी तरीके से बहुत ही स्वच्छ रखा गया है। पार्किंग की व्यवस्था है, जो कि बाहर जब आप जाएंगे गाड़ी से, फोर व्हीलर से, तो पार्क करके आपको बाहर रखना पड़ेगा। काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है एयरपोर्ट को, ये आगमन आप देख सकते हैं, तो यहाँ से लोग आते हैं, और ये इंडिगो का फ्लाइट लगी हुई है। तो इस तरीके से अनेक जो फ्लाइटें हैं वो लगी हुई रहती है। जब भी आप जाते हैं तो रुकने के लिए आपको एयरपोर्ट के अगल बगल ही होटल मिल जाएगा, जहाँ पे 500 से लेकर 5000 तक आप जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से होटल ले सकते हैं और आप रुक सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दुकान की बात करें तो दुकान भी आपको मिल जाएगा, टिकट के लिए भी आपको यहाँ पे बुकिंग मिल जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन टिकट अपना करा लें, जस्ट आपको यहाँ पे बोर्डिंग पास अंदर लेना है, बोर्डिंग पास भी अंदर आप करा सकते हैं, बैगेज चेक करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा और आप अंदर जाके ट्रैवल कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़े स्पेस में है, ये बाहर का लोकेशन है, जो कि बैठने की सुविधा है, जब आपको छोड़ने के लिए कोई आएगा तो यहीं पे उनको रुकना पड़ेगा, यहाँ से अंदर उनको नहीं भेजा जाएगा। तो ऑटो जो वगैरह लगातार चलती रहती है, ऑटो आपको मिलते ही रहेगी। तो राजकोट गुजरात का ये हम आपको दिखा रहे थे एयरपोर्ट का, जो कि पब्लिक टाइप एयरपोर्ट है, कस्टम एयरपोर्ट ये नहीं है, तो बहुत ही अच्छा और काफ़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं, और जो है बड़े एयरपोर्ट में आता है, गुजरात के बड़े एयरपोर्टों में से एक माना जाता है राजकोट एयरपोर्ट को। और जब राजकोट आप जाएंगे राजकोट, तो यहाँ से फिर अनेक जगह पे आप घूम सकते हैं। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी 2.7 किलोमीटर है, और अगर आप बस स्टैंड जाते हैं तो 3 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ पे इस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। अन्य कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका भी जानकारी देंगे। ये फ्लाइट है, अब हम यहाँ से फ्लाई करेंगे कहीं और के लिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप राजकोट से हैं तो आप ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कोई बात आपका छूट गया हो तो आप ज़रूर बताएं राजकोट के बारे में और भी अनेक जानकारी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।